थानागढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मिड डे मील में कीड़ा निकलने का मामला सामने आया है। मिड डे मील में कीड़ा निकलने पर छात्रों ने खाना नहीं खाया और कीड़े वाले चावल को स्कूल के किनारे फेंक दिया। इस बात पर रसोईया, उप सरपंच और प्रिंसिपल ने माना कि ऐसी शिकायतें मिली हैं। प्रिंसिपल ने उच्च अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराने की बात भी कही है, लेकिन इसकी शिकायत के बाद भी ना तो कोई बीईओ मौके पर पहुंचा और न ही स्व सहायता समूह की संचालिका। अब ये तो होना चाहिए पंचायत में, जैसे शासन की नीति है, पंचायत इसका देख रेख करे या फिर महिला स्व समिति जो हर गाँव में बना है वो लोग करेंगे इसको। करते हैं, शिकायत पर सूचना देते हैं। सिर्फ शिकायत का मतलब यह है कि मेरे जो उच्चाधिकारी हैं, बीओ साहब हैं या जो भी मतलब हैं, तो उनको मैं इस पर पॉसिबल जो भी मेरे पास माध्यम उपलब्ध होता है, व्हाट्सएप या फ़ोन, तो मैं करता हूँ।